हेलो बच्चों, हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बहुत मस्त पढ़ाई चल रहा होगा। तो मैं आपके सामने आपका आदित्य आनंद फिर से लेकर आ गया हूं प्रॉब्लम सीरीज इन टू। लास्ट जो मैंने दिया था बेटा प्रॉब्लम सीरीज इन फिजिक्स, जिसको भी मैंने बताया था कि हमारा जो पर्पस है सीरीज के ऊपर, वो जो पर्पस है वो हमेशा कांस्टेंट ही है और कांस्टेंट ही रहेगा। और पर्पस है क्या सर? पर्पस है आप लोगों का बेस्ट करवाना फिजिक्स में, एंड पूरा का पूरा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझाना न्यूमेरिकल्स के थ्रू, राइट? और आप लोगों का डर बिल्कुल खत्म कर देना और लेवल यहां से यहां पहुंचा देना। तो चाहे बच्चा नीट का है, चाहे बच्चा मेंस का है, चाहे एडवांस का है, चाहे उसे फिजिक्स में इंटरेस्ट है, वो सब के लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। लास्ट क्लास में जो सबसे फास्टेस्ट आंसर दिया था वो एक बच्चा था शुभम सौरभ, लेकिन उसका आंसर सही नहीं था, लेकिन फास्टेस्ट आंसर उसने टाइप किया था। और दूसरा बच्चा जो सही आंसर किया था वो आदर्श ठाकुर था। थैंक यू बच्चा लोग, सैल्यूट टू यू बच्चा लोग, आपको याद था आदर्श को सही। और वो ऐसे बच्चे भी जो अटेम्प्ट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पेन चलाने का हिम्मत आएगा तभी तो सही भी होगा ना एक दिन, तो गलती भी करना चाहिए, हम सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉब्लम सीरीज सेकंड, जो कि मैंने बनाया है पूरा प्रोजेक्टाइल के ऊपर, मोशन इन अ प्लेन के ऊपर, जेई मेंस एडवांस सारे टाइप के और मिक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर, यूरोप एंड एडवांस के मिक्स के ऊपर फ्रेम्ड क्वेश्चन मैंने काफी लाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, जल्दी से पॉज कीजिए और फास्टेस्ट आंसर दोबारा से दीजिए। मैं हर एक बच्चा का नोट देख रहा होता हूं, कमेंट देख रहा होता हूं। जल्दी से फटाफट पॉज करो और आंसर करो, पॉज करो और आंसर करो। चलो अब मेरा मेथड देखो, थोड़ा सा दो लाइन बोलना चाहूंगा। जब भी बेटा मोशन इन अ प्लेन की बात करोगे ना आप, जब भी मोशन इन अ प्लेन की बात करोगे तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हमारे पास दो इंडिविजुअल डायरेक्शन है और x डायरेक्शन का y से कोई भी मतलब नहीं है। x has nothing to do with y and y has nothing to do with x। दोनों इंडिविजुअल इक्वेशन चलेंगे, x में भी एंड y में भी। अगर आप मेरा ये वाला लाइन को ढंग से समझ गए ना, तो आपके लिए प्रोजेक्टाइल का कोई भी क्वेश्चन खत्म है। बस मैंने कोई भी क्वेश्चन में लूंगा, मैं यही करूंगा, x को अलग, y को अलग, और कैसा भी प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इक्वेशंस काइनेमेटिक्स के लगाऊंगा। जैसे मान लो सिंपल प्रोजेक्टाइल है यार, सिंपल प्रोजेक्टाइल है, वो क्या है? x और y को अगर आप अलग करते हो तो y में पार्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा होता है और x में 1D मोशन कर रहा होता है, हो गया खत्म। चाहे वो इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल हो, चाहे वो आइडियल प्रोजेक्टाइल हो, चाहे हाइट से प्रोजेक्टाइल हो, हर एक तरीके के प्रोजेक्टाइल को आप खत्म कर पाओगे एंड कुछ एडवांस प्रॉब्लम भी देख पाओगे। तो ये क्वेश्चन को पॉज करके आंसर करना है आपको। अब मेरा सॉल्यूशन देखिए, लेकिन फास्टेस्ट आंसर चाहिए बेटा, फास्टेस्ट आंसर। सॉल्व करो, आंसर करो, कोई ना कोई आंसर जरूर करो। चलो शुरू हो जाओ। बोला पार्टिकल मूव्स अलोंग अ पैराबोलिक पाथ। हमें पता है कि अगर कोई पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पे मूव करता है, और यहां पे हमें दिखा कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट निगेटिव है, इसका मतलब कि पैराबोला डाउनवर्ड ओपनिंग होगा। ये थोड़ा सा मैं बताता हूं फिजिक्स और मैथ्स दोनों कॉम्बिनेशन, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला का। लेकिन ये डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का फंक्शन नहीं है, तो इसका जो एक्सिस है वो शिफ्टेड होगा, इसलिए बाकी चीज मैं नहीं बना रहा हूं। हमें बस जल्दी से इस इंफॉर्मेशन को लेके फिजिक्स सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है सर, समझ में आ रहा है हमें। हमने देखा कि पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पे मूव कर रहा है एंड सच दैट एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर रिमेंस कांस्टेंट। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर मतलब vx, जो कि कितना है 5 meter per second, ये हमेशा कांस्टेंट है। ठीक, बहुत बढ़िया। बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, बहुत अच्छा बात है। तो x में एक्सेलरेशन अलग आएगा, y में अलग आएगा। मैंने बताया x nothing to do with y, x को y से कोई मतलब नहीं है। अगर x को y से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेशन x में भी आएगा सर, बिल्कुल आएगा बेटा। एक्सेलरेशन y में भी आएगा सर, बिल्कुल आएगा बेटा। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकालेंगे तो रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आएगा सर, बिल्कुल आएगा बेटा। क्यों ऐसा? क्योंकि हमें एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो इसका रिजल्टेंट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होता है। यस,
अब मैंने बताया कि वेलोसिटी x डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड है, तो एक्सेलरेशन x डायरेक्शन का क्या होगा बेटे? एक्सेलरेशन x डायरेक्शन अगर निकालोगे तो x डायरेक्शन के वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो कि 5 है और कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना? 0। अपने पास ax का वैल्यू आ चुका है, क्या नहीं है? ay, तो ay निकालते हैं। तो हमने देखा वहां पे इक्वेशंस, इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, y = 2x - x² + 2। अब इसे मैंने डिफरेंशिएट किया, जब मैं y को डिफरेंशिएट करूंगा dy/dt, क्या करूंगा? dy/dt। तो ये क्या देगा बेटा? ये देगा वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ y। बोलो, यही तो तभी से समझा रहा हूं मैं, 2 बाहर, ये हो जाएगा dx/dt, ये क्या देगा? वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ x। और ये क्या देगा बेटा? ये हो जाएगा, यहां पे चेन रूल चलेगा। अगर किसी को चेन रूल नहीं आता है तो आपको थोड़ा डिफरेंशिएशन का चेन रूल भी आना चाहिए। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x dx/dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। यस, ये हो चुका है, ये हो चुका है ट्वाइस ऑफ vx माइनस ट्वाइस ऑफ x इनटू vx। ओके सर, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही सुंदर बात है। अब जब मैंने इस चीज को लिखा यहां पे, तो vy हमें पता है नहीं, क्वेश्चन वालों ने vy नहीं दिया है बेटा। तो vy जो होगा यहां पे वो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ vx, vx तो क्वेश्चन वालों ने दिया है सर। बोलो, तो vx लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? ट्वाइस ऑफ 5, तो ये हो जाएगा 10। फिर vx दिया हुआ है कितना, जल्दी बताओ? 5, तो 5 × 10 -10x। बोलो बेटा, आ रहा है समझ में या नहीं? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा बैक करो, स्पीड स्लो कर दो, ऑल्दो मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूं यहां पे, राइट? ओके सर, चलिए आप बताइए, मेरा मकसद तुम्हें इस क्वेश्चन से एक चीज समझाना है कि x और y को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। मैंने किया है डिफरेंशिएट, लेकिन dx/dt vx है और dy/dt vy है, किसी को कोशिश से कोई मतलब नहीं है। ऑल्दो रिलेशन है तो वो आता जा रहा है। इस चीज को अगर तुम ढंग से फील कर लिए ना, तो मोशन इन अ प्लेन का मैक्सिमम क्वेश्चन खत्म है। हमने इस क्वेश्चन में देख लिया है कि x और y को किसी से कोई मतलब नहीं है। और कोई भी क्वेश्चन अगर तुम देखते हो, प्रोजेक्टाइल का हो या मोशन इन अ प्लेन को, तो तुम्हें यही करना होगा, एक्स में अलग एंड वाई में अलग। यस सर, तो जल्दी से अब इसे अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, वी वाई इज इक्वल टू 10 - 10x, है ना? तो वी वाई इज इक्वल टू 10 - 10x। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं ना बेटा, तो क्या आएगा? dvy/dt 10 का हो गया 0 -10, और dx/dt क्या हो जाएगा? dx/dt vx, और dy/dt dvy/dt क्या होगा बेटा? ay हो जाएगा। यस सर, तो ये हो जाएगा ay इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 इंटू dx/dt, dx/dt हो जाएगा vx, और vx का वैल्यू क्वेश्चन वालों ने दिया है 5 m/s। क्या दिया है? 5 m/s, तो यह हो जाएगा 10 × 5 m/s² क्यों लिख दिया? 5 m/s, है ना? यस सर, बहुत ही बढ़िया बात है। तो बेटा, आपको यहां से समझ में आया कि x नहीं, y डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है वो -50 m/s² है। ये सही नहीं लिखा था, ये y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है, और x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना था? कितना था? 0 था। कितना था? 0। मैंने पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैंने क्या पूछा? मैग्नीट्यूड। तो वो √x² + y² करना चाहोगे, ऑल्दो 0 आया है, लेकिन -50 हम टिक नहीं कर सकते, हमें ये करना पड़ेगा सर। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा सर, और वो सॉल्व क्या करना पड़ेगा जरा देखेंगे, a = √ax² + ay² यस सर, तो ये हो जाएगा √0² + ay - 50² तो ये हो जाएगा √50 × 50, है ना? और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर होगा? 50 m/s². ये आ चुका है अपना आंसर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन के लिए आंसर क्या बोलोगे बेटा? फर्स्ट,
अब बताओ जल्दी से कितनों का आंसर सही था ये। तो इस क्वेश्चन को बस मैं बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लिया था पहला इस बार, और ये चीज तुम्हें बताने के लिए कि x एंड y को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता और तुम तुरंत से आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से अब अगला वाला क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे लिए है, मैंने सेम क्वेश्चन फ्रेम किया है और इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत से चाहिए मुझे, तुरंत से चाहिए, फटाफट पॉज करो, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से x एंड y पे। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है एज इट इज, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट क्रॉसेस द ओरिजिन। अब ये बोल रहा है कि y इज इक्वल टू x स्क्वायर नाम का पैराबोला है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर नाम का पैराबोला है, तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर पैराबोला ये हो गया। बोल रहा है एक्सेलरेशन बताओ पार्टिकल का जब व्हेन इट क्रॉसेस द ओरिजिन, तो पार्टिकल कुछ ऐसे चल रहा है पैराबोला पे, देख रहे हो, और जब ये ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है, जब ये ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है इस समय पे, तब पूछा है पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देख लो यहां पे ये वाला चीज पहले सॉल्व करके करो, मैक्सिमम बच्चों से ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, मैक्सिमम से ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, जल्दी से करो। तो हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, फिर से पहला डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा dx by dt, बोलो हाँ है ना, इज इक्वल टू, इसे जब करोगे तो dvy by dt, इसे जब करोगे तो dy by dt, ओके सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें भी एक इंफॉर्मेशन है विद कांस्टेंट स्पीड u, क्या इंफॉर्मेशन है, स्पीड जो है पार्टिकल का वो u है। यहां पे जब पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं ना बेटा, तो देखो एक इंफॉर्मेशन है गिवन क्वेश्चन में, पार्टिकल बोल रहा है विद कांस्टेंट स्पीड u, मतलब पार्टिकल जो पैराबोलिक पाथ पे मूव कर रहा है वो जब इस पॉइंट पे आएगा तो उसका एक स्पीड है, लेकिन तुम्हें पता है कि ओरिजिन पे पार्टिकल इधर ही जाएगा, यस सर। तो क्वेश्चन वालों ने जो इंफॉर्मेशन दिया है उससे जो स्पीड मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपका यू मिलेगा बेटा, वी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, और इस टाइम पे वी वाई क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, वीवाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बेटा, क्योंकि इस टाइम पे कोई वेलोसिटी नहीं है और स्पीड है पार्टिकल का वो इटसेल्फ यू के बराबर है, वो इटसेल्फ यू के बराबर है, तो फिर यहां पे वीवाई को क्या करना पड़ेगा, जीरो, क्योंकि कोई कंपोनेंट नहीं आया। आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में, आ रहा है नहीं आ रहा है, यस सर, बस इसको डिफरेंशिएट कीजिए और आंसर, तो क्या हो जाएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ ये वाला चीज जो है वो dx by dt किसके बराबर हो गया है, vx के बराबर हो गया, 2x vx हो गया, और इज इक्वल टू dy by dt किसके बराबर हो गया, vy के बराबर हो गया। सर vy इज इक्वल टू 2x vx हो चुका है, vy इज इक्वल टू 2x vx हो चुका है, अब इसे डिफरेंशिएट करोगे तब एक्सेलरेशन मिलेगा, बोलो हाँ है ना, यस सर। तो इसको जब मैं डिफरेंशिएट किया तो ये तो हो जाएगा क्या dvy by dt, और ये हो जाएगा क्या ay बेटा, ये हो जाएगा 2 बाहर x बाहर dvx by dt, लेकिन dvx by dt क्या होगा मेरे दोस्त, vx जो है वो u है, वो कांस्टेंट है, vx जो है वो u है और वो वेरिएबल नहीं है, तो जब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ax मिलेगा जो कि dvx by dt के बराबर होगा, जो कि जीरो के बराबर होगा। सर बोलो क्या बात समझ में आ रही है, यस yes, बिल्कुल आ रही है सर। अब क्या करोगे बेटा, यहां पे ये जो टर्म है ये तो मैं क्या कर रहा हूं, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं इसमें, है ना, x into vx में प्रोडक्ट रूल, तो ये बाहर इसका डिफरेंशिएशन और अगले बार में ये बाहर और इसका डिफरेंशिएशन, ओके सर डन, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है, ऐसा बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो यार, कितने लोग सही आंसर बताया वो बताओ तो जरा सा। यहां पे dvx by dt तो सर निपट चुका है, ये जीरो हो चुका है क्योंकि ये कांस्टेंट आ गया था सर, और यहां पे dx by dt vx हो चुका है, तो ये हो गया 2vx into vx, ये हो गया 2vx का स्क्वायर, और ये हो चुका है बेटा ay, ओके सर बहुत ही बढ़िया बात है, तो अपने पास आंसर आ चुका है, vx क्वेश्चन वालों ने दिया है कितना u, तो आंसर क्या आ गया बेटा 2u स्क्वायर, क्या आंसर आ चुका है 2u स्क्वायर, ये तो सर ay आया,
ये तो सर ए वाई आया, लेकिन मैंने क्या पूछा है, एक्सेलरेशन मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का रूट अंडर पूछा है फिर से मैंने, है ना। तो एक्चुअल में रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर पूछा है, लेकिन ये वाला चीज जो है वो तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि ये ए एक्स तो क्या आ चुका है, जीरो आ चुका है सर, बहुत ही बढ़िया बात है। और ये आ चुका है आपका आंसर 2u स्क्वायर। बोलो क्या समझ में आया या नहीं आया, कौन सा ऑप्शन सही चल रहा है बेटा? सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्या ये क्वेश्चन आप सबसे होना चाहिए या नहीं बताइए, क्या ये क्वेश्चन होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि मैंने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया है। ये मैं प्लेन का एनालिसिस कर रहा था अभी तक, अब मैं प्लेन को थोड़ा फर्दर प्रोजेक्टाइल मोशन में लाता हूं, मैं आइडियल प्रोजेक्टाइल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपके सामने, यस सर, बोल रहा है स्टोन इज थ्रोन विद ए स्पीड यू एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट्स वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। ये क्वेश्चन जो है बेटा, ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो नहीं कराता होगा, आई थिंक सो, अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन आता है, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन आता है तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो, फटाफट आंसर बताओ। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मैं इस क्वेश्चन से सिखा देता हूं, पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल इस सिंगल क्वेश्चन से मैं सिखा देता हूं। इस क्वेश्चन को करने का 5 डिफरेंट मेथड मैं तुम्हें सिखाऊंगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरा मेथड कौन सा है, ठीक है, और तब तुम्हें मजा आएगा कि और तुम मुझे बताना कि कौन सा मेथड कैसा है। ये एक क्वेश्चन पूरा प्रोजेक्टाइल सिखा सकता है बच्चों को, अगर बच्चा ध्यान से देखे तो जल्दी से शुरू हो जाइए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे आंसर बताइए फटाफट। चलिए, बोल रहा है स्टोन इज थ्रोन एट ए स्पीड यू एट एन एंगल थीटा, ठीक है, एक स्टोन को मैंने क्या किया बेटा, एक स्टोन को मैंने थ्रो किया यू स्पीड से थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ, बहुत बढ़िया बात है। बोल रहा है टू द हॉरिजॉन्टल फाइंड द टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। बोल रहा है ये प्रोजेक्टाइल ऐसा करेगा, है ना, अगर ऐसे थीटा पे फेंका तो बोल रहा है फाइंड द टाइम आफ्टर विच इनिशियल वेलोसिटी, तो यही है इनिशियल वेलोसिटी के लाइन को थोड़ा मैं एक्सटेंड करता हूं और मैं ये देखना चाहता हूं कि किस टाइम पे इसके ऊपर का वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कुछ इस ऐसा मैं बोल सकता हूं, इस पॉइंट पे सर पार्टिकल जब सर इस पॉइंट पे आएगा उस टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर जो है लेट इट बी वी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से 90 डिग्री का एंगल बना देगा। क्या ऐसा दिख रहा है तुम्हें? हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है, ये क्वेश्चन है। तो बताओ ये अगर टाइम टी इज इक्वल टू टी है तो आखिर ये टाइम क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है। फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी वेक्टर बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन ऑफ मोशन, ये क्वेश्चन हमने देख लिया है। चलिए शुरू करते हैं। मान लिया यहां का वेलोसिटी वी है, तो इसके दो कॉम्पोनेंट्स मैंने ले लिए बेटा, क्या ले लिया सर, इसके दो कॉम्पोनेंट्स ले लिए। जल्दी देखिए यहां पे ये रहा वेलोसिटी वेक्टर वी, इधर का कॉम्पोनेंट और इधर का कॉम्पोनेंट, जल्दी से देखना, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ढंग से समझो, मैं तुम्हें पूरा प्रोजेक्टाइल सिखाने वाला हूं, ध्यान से देखो। यहां पे मैंने माना कि ये पार्टिकल में V से गया तो मुझे एंगल का आइडिया होना चाहिए कॉम्पोनेंट्स लेने के लिए। हाँ जरा देखो, अगर पूरा का पूरा कहानी इस लाइन के पैरेलल मैं एक लाइन यहां पे ड्रॉ करता हूं, ठीक है सर, ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों 90, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहां से अगर मैं इसके पैरेलल ड्रॉ कर दूं तो ये और ये परपेंडिकुलर है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा थीटा। अगर ये और ये थीटा है तो इसके पैरेलल ये और इसके पैरेलल ये, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा सर। क्या इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत? नो सर, पहला कहानी खत्म। थीटा वी का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा वी कॉस थीटा और इधर आएगा वी साइन थीटा,
मान लिया मैंने किसी आर्बिट्री टाइम t इज इक्वल टू t पे, ये था शुरुआती वाला पॉइंट t इज इक्वल टू जीरो, और ये t इज इक्वल टू t पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो इनिशियल लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? बोलो बेटा, पूरा समझ में आया? यस सर। तो इस क्वेश्चन का जो बेटा हमने फर्स्ट मेथड देखना है वो क्या है, जरा देखते हैं। ओके सर, ये रहा अपना v sin थीटा और ये रहा अपना u, u का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा सर u cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा सर u sin थीटा। ओके बेटा, बहुत ही बढ़िया। हमने जाना है कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट होता है प्रोजेक्टाइल में, क्योंकि कोई भी एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन यहां पे नहीं है। इसीलिए ये जो वेलोसिटी है v sin थीटा, ये जो वेलोसिटी है v sin थीटा, वो u cos थीटा के बराबर हो जाएगा सर। मेथड वन आपके सामने रखा है मैंने। यस सर, इक्वेशन वन, बहुत ही बढ़िया बात है। दूसरा, y डायरेक्शन में आप किसी भी टाइम पे इक्वेशन लगा सकते हो, ये बात शायद आपको पता है या नहीं, आई डोंट नो। ये जो इक्वेशन है काइनेमेटिक्स के, वो किसी भी टाइम के लिए लगता है इरेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन। एक्स एंड वाई में इंडिविजुअल अलग अलग कभी भी लगा सकते हो आप। तो यहां पे ये नीचे जा रहा है, दिख रहा है, तो मैं लिखता हूं माइनस वी कॉस थीटा, ये क्या हो गया वी, वी इज इक्वल टू यू। वाई डायरेक्शन में मैं इक्वेशन लगा रहा हूं बेटा, यू वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगा रहा हूं, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, और ए वाई कितना है, नीचे की तरफ जी है बेटा। तो ये हो जाएगा माइनस वी कॉस थीटा इज इक्वल टू यू वाई, अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा, और नीचे की तरफ जी है, अगर आप अपवर्ड को लोगे पॉजिटिव तो डाउनवर्ड आ जाएगा निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा सर माइनस जी टी, इक्वेशन टू। ये दो इक्वेशन है और सॉल्व करना बाकी है, अपने को टाइम का ज्ञान हो जाएगा। तो सॉल्व कैसे भी कर लीजिए, चलिए दोनों को डिवाइड करते हैं, ये वी खत्म हो जाएगा, टी निकल जाएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन वन एंड टू, दोनों को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया है। तो यहां पे इस चीज को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा जरा देखना, तो इस चीज को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा जरा देखना, तो बेटा डिवाइडिंग इक्वेशन वन एंड टू, डिवाइडिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो ये वाला चीज को अगर मैंने डिवाइड किया, जल्दी से देखो, तो v और v कैंसिल आउट, साइन बाय कॉस क्या हो गया टेन, तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू यहां पे u cos थीटा डिवाइडेड बाय u sin थीटा माइनस जी टी, u cos थीटा डिवाइडेड बाय u sin थीटा माइनस जी टी। यस सर, बहुत ही बढ़िया बात है। जल्दी से, अब तो कुछ बचा ही नहीं है सर, फटाफट करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको लिख लो, tan को sin बाय cos, तो लिखोगे माइनस sin थीटा बाय cos थीटा, cos को उधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो ये हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू यू, हो गया u sin स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो चुका है जी टी साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हो चुका है कॉस थीटा, यहां जाके यू है ना, यू है ना, यस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक कॉस थीटा और ये कॉस के, क्या इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत है बेटा? नो सर, समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसको जब उधर फेंका तो ये हो चुका है बेटा जी टी साइन थीटा इज इक्वल टू, ये उधर यू कॉमन, ये हो चुका है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यू, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है वन, तो यू का वैल्यू क्या आ चुका है बेटा, ये हो चुका है सर जी टी साइन थीटा इज इक्वल टू यू, देयर फोर टी इज इक्वल टू यू बाय जी साइन थीटा। ये मैंने मेथड वन बताया जो हर एक टीचर बताता है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास इस क्वेश्चन का फाइव डिफरेंट मेथड है, तो मेथड टू, मेथड थ्री, मेथड फोर, मेथड फाइव सारे पढ़ेंगे। ये एक जनरल इक्वेशन से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, इससे फील दिलाया कि कैसे एक्स में अलग और वाई में अलग इक्वेशंस को यूज करोगे, ये चीज मैं सिखाने की कोशिश किया यहां पे, कैसे कॉम्पोनेंट्स लोगे, कैसे एंगल वगैरह का एनालिसिस करोगे। अब इस मेथड के ऊपर ये जो मैंने क्वेश्चन कराया,
कि टाइम जो होता है वो कितना होता है, u by g sin theta। तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है जल्दी से देख लो बेटा, u by g sin theta फोर्थ ऑप्शन। कितने बच्चों ने फोर्थ ऑप्शन रट्टा मार के रखा हुआ था जल्दी से कमेंट करो, फटाफट कमेंट करके बता कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन बना के रखा हुआ था, जल्दी से आ जाइए बेटा। अब इस क्वेश्चन के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन अभी फ्रेम किया है तुरंत से, जरा इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर फास्टेस्ट आंसर आना चाहिए और इस क्वेश्चन के फास्टेस्ट सही आंसर वाले को बिल्कुल मैं एक डेयरी मिल्क खिलाने वाला हूं, सच्ची बता रहा हूं भाई, घर पे भिजवाऊंगा ठीक अमेजोन से, जल्दी फटाफट वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारा, पॉज करो आंसर करो। देखो सेम क्वेश्चन है, सेम एज इट इज, यस सर, रीड करता हूं मैं। A stone is thrown at a speed of 10 meter per second. 10 meter per second से मैंने stone को फेंका। At an angle of 30 degree to the horizontal. Okay sir, horizontal से 30 degree पे फेंका। बोल रहा है, find the time after which its velocity becomes perpendicular to the initial velocity. Find the time after which its velocity becomes perpendicular to initial velocity. फटाफट आंसर बताओ। जल्दी कमेंट चाहिए इसमें, कम से कम 5000 कमेंट होना जाना चाहिए यार मेरे ख्याल से, तो अब इतने 60,000 तो मिनिमम देखते हो तुम लोग, है ना। अब जल्दी से बताओ आंसर, बताओ आंसर, बताओ फटाफट फटाफट, कमेंट में आंसर चाहिए मेरे को इस क्वेश्चन का, जल्दी सही आंसर चाहिए। अरे अभी तो बताया सर आपने, क्या बताया बेटा, अरे ये तो बताया सर कि पार्टिकल को अगर फेंकोगे तो यहां पे किसी भी टाइम पे होगा, है ना, इनिशियल एंड लाइन ऑफ मोशन के ऊपर परपेंडिकुलर। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, तो वो जो टाइम आपने बताया वो बताया u by g sin theta। अच्छा ये बताया था क्या, हाँ लगा दो जल्दी से फटाफट सर, u का वैल्यू कितना है 10 और g का वैल्यू मान लो, g का वैल्यू 10 मानो, क्लास में g का वैल्यू कितना 10 और घर में 9.8, समझ रहे हो ना, g क्लास में कितना 10, क्लास में g का वैल्यू 10, ये क्या है सर, कैलकुलेशन आसान करने के लिए भाई। ओके सर, तो g का वैल्यू हो गया 10 और साइन 30 का वैल्यू हो जाता है 1/2, खुपाच खुपाच, ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। किधर है आंसर, ये गलत आंसर है, कितने लोगों ने अभी तक बता दिया है, क्या बोल रहे हो सर अभी तो पढ़ाया है। हाँ मैंने कहा बोला नहीं पढ़ाया हूं, पढ़ाया है इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाया यार, सिखाया है, यस यस बिल्कुल सिखाया है, आंसर भी निकाला t is equal to u by g sin theta, यस बेटा बिल्कुल निकाला है। और ये क्या बोल रहे हो, ये बोल रहे हो गलत कर दिया बच्चों ने, यस आपने गलत कर दिया है ये क्वेश्चन, ये क्या बोल रहे हो सर आप। अब मैं तुम्हें बताता हूं कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस में तुम्हें घुमाया जाता है, मोर देन वन ऑप्शंस को पुट किया जाता है और तुमसे गलत करवाते हैं लोग, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट को अब समझते हैं कि ये गलत आखिर क्यों है, राइट ना, ओके चलो देखो ये गलत क्यों है वो समझा रहा हूं सर। या तो आपका पुराना गलत है, या तो ये आपने जो बताया, या तो आपने पुराना गलत बताया। मैंने पुराना गलत नहीं बताया है, पुराना बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन तुम्हें एक दिमाग लगाना था जो तुमने नहीं लगाया, आंख बंद करके फॉर्मूला पुटिंग नहीं करना है, ये नीट वाले बच्चों से बोल रहा हूं मैं। आप लोग जो आंख बंद करके फॉर्मूला पुटिंग करते हो ना, और जब गलत आता है तो घर में आके बोलते हो हमने तो ऐसे किया था, ये तो सर ने बताया था क्लास में, गलत हो गया, ये इसलिए बोलते हो क्योंकि दिमाग भी लगाना होता है फिजिक्स में। और कितना छोटा सा क्वेश्चन है, हर एक बच्चे को याद रहता है u by g sin theta, आंसर निकाल के बैठ जाओगे, लेकिन देखो क्या गलती होता है इसमें। ओके सर हम देख रहे हैं, चलिए क्वेश्चन में गलती क्या होता है जरा देखिए। मान लीजिए कोई एक प्रोजेक्टाइल था जो कि मैंने थीटा एंगल पे थ्रो करवाया, ओके सर बहुत ही बढ़िया बात है। जब ये थीटा एंगल पे थ्रो हुआ था तो इसका जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो तुम लोगों को पता है या नहीं पता है, अरे पता है या नहीं पता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2uy/ay, पता है या नहीं पता है, 2uy/ay मतलब 2u sin theta/g, ये याद रखना है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u sin theta/g, ये यहां से पार्टिकल को यहां तक आने में लगने वाला टाइम होता है, राइट। अब जो मैंने बोला कि फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी वेक्टर बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन ऑफ मोशन, वो इसके बीच में या यहां तक कभी हुआ होगा या इसके बाद होगा क्या, इसके बाद होगा क्या, नो मतलब वो जो कोई मेरा t इज इक्वल टू t टाइम है, ये t टाइम क्या ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए,
टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से ये वाला कोई भी आर्बिट्री टाइम जब इसका वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर कहीं भी हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, या अंतिम समय में भी हो सकता है, राइट? तो क्या तुम बोल सकते हो कि दिस टाइम इज लेसर देन और इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट? क्या इस लाइन में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे कि सर वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर इन्हीं टाइम में कहीं ना कहीं होगा, तो वो जो टाइम है वो या तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा या उससे पहले होगा, उसके बाद नहीं हो सकता। सर बोलो डन, समझ में आ गया? यस। तो मैंने टी का वैल्यू अभी निकाला है उधर। सर क्या निकाला है? अबे ये तो पुट किया ना यू वाई जी साइन थीटा, यही तो निकाले हो? यस, यही तो निकाला है यू बाई जी साइन थीटा। तो यहां पे हमने देखा कि ये जो है यू बाई जी साइन थीटा वो क्या है, u बाई जी साइन थीटा मस्ट बी लेसर देन इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन थीटा बाई जी। अब देखो u से u निपट चुका है और g से g निपट चुका है। ओके सर, निपटा दिए हो आप। अब हमें क्या करना है? अब हमें बेटा यहां से साइन थीटा को उधर लेना है। तो ये साइन थीटा जो है हमें दिख रहा है यहां पे एंगल थीटा जो है वो 0 और 90 के बीच में, तो पॉजिटिव है, इसीलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर पा रहा हूं इनइक्वालिटी में। अदरवाइज इनइक्वालिटी में डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई तुम नहीं कर सकते हो जब तक ये ना पता हो कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, राइट? ओके, तो ये चीज को मैं इधर ले गया तो ये हो चुका है साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से आया तो ये हो गया 1/2। तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1/√2। स्क्वायर उड़ाया तो रूट चढ़ाया मेरे दोस्त, बोलो हाँ या ना? तो यहां से मजा आ गया है जीवन का सर। थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। और वैसे जिसको इनवर्स में दिक्कत हो रहा हो वो डायरेक्ट लिख लेना कि 1/√2 कितने में होता है, साइन 45 में। तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन 45, देयरफॉर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45 डिग्री। अच्छा, मतलब ये पॉसिबिलिटी कि फाइनल वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद इनिशियल लाइन ऑफ मोशन तब संभव है जब जो लाइन, ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 45 या उससे बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज तो फिजिक्स की वैलिडिटी ही नहीं हो पाएगी और यहां पे फिजिक्स ही वैलिड नहीं हो पाएगा, ऐसा कोई फिजिकल सिचुएशन रेज ही नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसके बाद हो पाएगा ये कोई अगर पूछ रहे हो, अगर कोई किसी का क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, तो पार्टिकल यहां पे प्रोजेक्टाइल कर चुका है, हम इन्हीं लाइन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, तो थीटा जब तक 45 से बड़ा या उसके बराबर नहीं हो जाता तब तक संभव नहीं है। जब इक्वल होगा तो बिल्कुल इस पॉइंट पे 90 बनाएगा, और थीटा अगर और ज्यादा होगा तो बीच में कहीं बना सकता है, लेकिन उससे अगर कम हो गया तो कहीं ऐसा सिचुएशन नहीं बन पाएगा। तो फाइनल आंसर इसका क्या आया है? Physically, it is not possible is the right answer, बेटा। Yes, sir. Okay, तो ये question में तो हमने काफी कुछ समझ लिया है, right? अब मैं दो और method बताता हूं जो कि previous problem में मैंने बोला कि इसके पास, इस question का हमारे पास 5 different method है। तो method 1 सिखाया, method 2 आपके सामने। अब यार दो मेथड, बढ़िया तगड़ा मेथड बताता हूं जो मेरा वाला मेथड है, आदि सर मेथड, आदि सर बेस्ट मेथड 1। ये मेथड 2 है, ये है आदि सर मेथड, आदि सर मेथड। देखो, वेक्टर का यूज करना जब फिजिक्स में होना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार, वेक्टर का यूज करने में मुझे बहुत मजा आ रहा होता है। तो मैं ये बेस्ट मेथड है मेरा, जो कि फर्स्ट बेस्ट मेथड बता रहा हूं, इससे भी खतरनाक एक और मेथड बताऊंगा जो एक लाइन में आंसर बताएगा। अब देखो, मैंने क्या बताया कि u वेलोसिटी वेक्टर है, हाँ बहुत बढ़िया बात है, ओके बहुत सुंदर बात है सर, u वेलोसिटी वेक्टर है, ओके, और यहां पे एक्सेलरेशन किधर लग रहा होगा, नीचे लग रहा है सब जगह सर, जी। तो u और g के बीच का एंगल कितना होगा जब बताओ, ये और ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दोगे तो ये एंगल हो जाएगा थीटा और ये 90, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा। क्या ये लाइन बोल सकते हो क्या कि u और g के बीच का एंगल 90 प्लस थीटा है, कोई दिक्कत? नो सर। इसके ऊपर g लग रहा है नीचे, ओके। वेक्टर फॉर्म में अगर बात करो तो मैं लिखूंगा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू u, कोई दिक्कत? नो सर।
फिर मैं लिखूंगा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर v जो होगा वो होगा u इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन इनटू t। हाँ, u इनिशियल कितना है u, प्लस एक्सेलरेशन कितना है z। वेक्टर फॉर्म में है तो अब मुझे डायरेक्शन यहां माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग। t ये भी वेक्टर फॉर्म में है। अब ये जो चीज है इनिशियल लाइन ऑफ मोशन और ये जो है वो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है। क्वेश्चन वालों ने क्या बोला है कि इनिशियल लाइन ऑफ मोशन और फाइनल एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर ये यू आई परपेंडिकुलर टू वी एफ है तो क्या तुम बोलोगे दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी वो ए बी कॉस थीटा होगा और थीटा इसमें क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो कॉस 90 कितना जीरो। तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा बेटा जीरो हो जाएगा। देखो मैं तुम्हें डॉट प्रोडक्ट भी सिखा रहा हूं उसका एप्लीकेशन भी सिखा रहा हूं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेक्टर फॉर्म को यूज करना सिखा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे इनिशियल वेक्टर क्या है यू, ओके फाइनल क्या है डॉट प्रोडक्ट में लिखो यू प्लस जी टी। हाँ मजा आया, बहुत मजा आया। और इक्वल टू क्या लिखोगे जीरो। डन है, यस बिल्कुल डन है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। यहां पे जब आप लिखोगे यू और यू तो लिखोगे यू डॉट यू, ओके बहुत सुंदर, प्लस यू डॉट जी इंटू टी, ये लिखोगे इसको इससे डॉट इज इक्वल टू जीरो। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो यू और यू के बीच का एंगल कितना जीरो, तो ये हो जाएगा कितना कॉस जीरो। तो यू यू कॉस जीरो कॉस जीरो वन यू 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 स्क्वायर हो जाएगा। U डॉट G, U और G के बीच का एंगल कितना 90 प्लस थीटा, तो इसको क्या लिखोगे A B का A B cos थीटा, तो U G का U G cos थीटा। थीटा क्या एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर जो कितना है 90 प्लस थीटा है बेटा। ओके सर बहुत ही बढ़िया बात है सर, 90 प्लस थीटा cos में कितना जाएगा, cos सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है और 90 में चेंज हो जाता है तो cos हो जाएगा sin, कॉस हो जाएगा साइन बेटा, और ये हो जाएगा यू जी साइन थीटा और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो यहां पे मैंने लिख दिया माइनस इज इक्वल टू जीरो। इस लाइन में अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोलो, किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोलो। तो अगले लाइन में ये रहा आंसर सर हमारा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू जी साइन थीटा। अब मजा आया जीवन का, यहां से इंटू टी, तो टी का वैल्यू निकालना अपना काम था, टी का वैल्यू निकालना अपना काम था। तो टी निकल चुका है सर, यू से यू निपट चुका है, यू बाई जी साइन थीटा। बोलो ये मेथड मजा दिया तुम्हें, ये मेथड मजा दिया तुम्हें या फर्स्ट मेथड मजा दिया तुम्हें बताना मुझे बिल्कुल। आदि सर मेथड वन है ये, आदि सर बेस्ट मेथड टू आ रहा है। मैंने बताया तुम्हें इस क्वेश्चन का 5 डिफरेंट मेथड दूंगा और अलग अलग फिजिक्स सिखा रहूंगा सब में। इस क्वेश्चन को करने का ये जो मेथड दे रहा हूं ये मेरा मेथड है, मैं हमेशा इस क्वेश्चन को ऐसे सोचता हूं। एंड अगर तुम इस मेथड को सीख लिए तो इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल में जब तुम्हें घुमाने की कोशिश करेगा ना लोग तो तुम तुरंत से करके रख दोगे उसे। ये वाला मेथड जो मैं अभी बता रहा हूं वो अगर तुम समझ गए, ओके सर शुरू कीजिए। इस मेथड में मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूं, बेस्ट यूज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। यही तो करते हैं इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल में, अलग कर देते हैं, है ना। इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल में क्या करते हो आप बोलते हो सर पहले से किसी एंगल पे इंक्लाइंड है और ऑलरेडी यहां से किसी अल्फा एंगल पे किसी चीज को फेंकते हैं, ऐसे ही तो करते हो इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में बेटा। इसी चीज में दिक्कत क्या आती है, एक्स और वाई में अलग अलग हो जाता है, एक्स यहां नहीं मान के इधर कहीं मान लेते हो, राइट ना। तो वही तो है बेस्ट यूज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, वही चीज सिखाता हूं। देखो एक सिंगल लाइन में आंसर आने वाला है, सिंगल लाइन में आंसर आने वाला है, जल्दी से देख लो बेटा। ये रहा यू सर, ये रहा थीटा सर, बहुत सुंदर। पार्टिकल चलेगा ऐसे टक 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 टकाक, ये रहा इनिशियल लाइन ऑफ मोशन और ये पार्टिकल का फाइनल पॉइंट है जहां पे ये वेलोसिटी वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर बना रहा है। बोलो मजा आया, यस सर। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, इस पॉइंट इसको मान लिया एक्स एक्सिस
और इसको इसके लाइन के पैरेलल मैंने यहाँ पे एकदम से 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ किया है और इसको मान लिया मैंने y एक्सिस। जरा ध्यान देना, बेस्ट यूज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसी को मान लिया x। तो पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन कितना है, u, बहुत बढ़िया। और जब पार्टिकल यहां पे होगा t इज इक्वल टू t पे, तब पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन का, वो कितना होगा? सर पार्टिकल डायरेक्ट 90 डिग्री पे है, तो क्या इसका कोई भी ये वाला कंपोनेंट तुम्हें मिलेगा बेटा? क्या पार्टिकल का ये वाला कंपोनेंट तुम्हें मिलेगा? पार्टिकल सर ऐसे जा रहा है तो इसका 90 में कंपोनेंट कहां से आएगा? कोई आएगा? तो इस पॉइंट पे जब ये 90 बना रहा होगा उस टाइम पे ये वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। बोलो हाँ है ना, कोई भी दिक्कत? नो सर। जी जी लग रहा है नीचे बेटा, देखो ओके, ये थीटा है और ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा। तो जी के दो कंपोनेंट होंगे सर, एक इधर होगा जी कॉस थीटा और एक इधर होगा जी साइन थीटा। बोलो बात समझ में आया? और एक सिंगल इक्वेशन लगा रहा हूं मैं एक्स डायरेक्शन में, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, और वी एक्स कितना बेटा? जीरो। यू एक्स कितना बेटा? यू। ए एक्स कितना बेटा? माइनस जी साइन थीटा, क्योंकि आपने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो ये हो जाएगा माइनस जी साइन थीटा इंटू टी। और इस तरीके से मजा आ चुका है बेटा, ये इधर जी साइन थीटा इंटू टी यू के बराबर, t इज इक्वल टू यू बाई जी साइन थीटा। बताओ कौन सा मेथड मजा दिया है तुम्हें अभी तक? मैंने 3 डिफरेंट मेथड बता दिए हैं एक ही क्वेश्चन को करने के, और ये मेथड मुझे सबसे ज्यादा पसंद है यार, क्योंकि ये सिर्फ v बराबर u प्लस at लिखता है और आंसर आ जाता है। और तुम्हें मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू प्रोजेक्टाइल में डेप्थ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हें फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कैसे इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल को टेकल किया जाता है सिर्फ एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को चेंज करके। और इधर आप मानते हो एक्स, इधर आप मानते हो वाई, यहां आप मानते हो जी, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, इसके दो कॉम्पोनेंट लेते हो और पूरा इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल खत्म हो जाता है। यही तो है बेस्ट यूज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। बस एक्सेलरेशन का एक और कंपोनेंट आता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, और एक दूसरा कंपोनेंट आता है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा? यस। तो अभी तक 3 मेथड में मेरा आदि सर बेस्ट मेथड है ये बेटा, और तुम्हारा कौन सा है? मेरा तो ये है आदि सर, इसको मैं बोलता हूं स्टार मेथड। आदि सर स्टार मेथड है मेरे तरफ से, तो ये स्टार मेथड होता है। आपके तरफ से कौन सा है बताना मुझे, कमेंट करना अभी तुरंत। एक और मेथड में बता दूं क्या है, चलो थोड़ा एक और मेथड का मजा लेते हैं जीवन में। अगर मैं बोलूं तुम्हें कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को यूज करना सीखो, जानते हो ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है ना बेटा, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बहुत ही मजेदार चीज है। ये एक एड्रेस है प्रोजेक्टाइल का, मैं इसे बोलता हूं एड्रेस ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इससे तुम दुनिया का कुछ भी निकाल सकते हो, और उसका फील भी मैं तुम्हें दिला देता हूं अभी तुरंत। देखो इस क्वेश्चन को क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से किया जा सकता है, देखते हैं बेटा, मजा तो आएगा जीवन में। अब आपने बोला सर यू से इसको थ्रो किया थीटा एंगल पे, हाँ बेटा बिल्कुल बोला। और आपने बोला सर कि पार्टिकल का ये जो इनिशियल लाइन ऑफ मोशन है उसके परपेंडिकुलर होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा इनिशियल लाइन ऑफ मोशन पे, बिल्कुल बोला बेटा। तो अब देखना बेटा ध्यानपूर्वक, ये हो जाएगा u cos थीटा, ये हो जाएगा u sin थीटा, बहुत सुंदर। मान लिया किसी t is equal to t पे पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल के साथ 90 डिग्री पे था, तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर यहां पे क्या लिखोगे? u cos थीटा x डायरेक्शन में है। आइडियल प्रोजेक्टाइल में x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो तुम बोलोगे इस पॉइंट पे जो ये x होगा ना, वो x होगा u cos थीटा इंटू टी, अगर t इज इक्वल टू जीरो पे यहां पे है और t इज इक्वल टू टी पे यहां पे। बोलो बोलोगे ना? हाँ। अब सुनना, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है जो इससे टच किया। अगर इस लाइन का स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है,
तो क्या ये दोनों 90 डिग्री पे हैं? यस। तो दो लाइन यदि परपेंडिकुलर हो, दो लाइन यदि परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। क्या ये तुम्हें पता है? क्या ये तुम्हें पता है स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है इफ बोथ द लाइन आर 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दोनों का स्लोप निकालो। स्लोप का डेफिनेशन क्या है? टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पहला लाइन का जो टेंजेंट है वो कितना है? टेन थीटा। तो पहला लाइन का स्लोप कितना बेटा? टेन थीटा। ये पता चल गया। अब दूसरे लाइन का स्लोप निकालना है। देखो स्लोप का एक और डेफिनेशन होता है बेटा। स्लोप जो होते हैं ना वो होता है क्या? टेन थीटा, जो कि डी वाई बाई डी एक्स के बराबर भी होता है। ये देखो कितना बढ़िया चीज सब सीखते जा रहे हो। मैंने बताया ना, मैं पूरा का पूरा न्यूमेरिकल के थ्रू फिजिक्स सिखाने के लिए आया हूं तुम्हें, और वो मैं पक्का करके जाऊंगा बेटा। देखो ये सब कितना बेस्ट चीज है। देखो इसे देखो अच्छे से समझो। ये जो मैंने एक क्वेश्चन के ऊपर तुम्हें इतना सारा चीज बताना शुरू किया, क्यों? तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो एक्स कॉम्पोनेंट अलग, वाई कॉम्पोनेंट अलग, जो फिजिक्स था उसे दो इक्वेशन बना, एक्स कॉम्पोनेंट बराबर सॉल्व हो गया। पहला मेथड देखो कितना बढ़िया और हर एक क्वेश्चन में लगने वाला। यस, जब मैंने दूसरे मेथड की बात करी, मैंने तुम्हें फील दिलाया कि वेक्टर फॉर्म को कितना बढ़िया ताकत होता है। वेक्टर फॉर्म के पास जो पावर है ना उसे यूज करना सिखाया। देखो दिस इज द पावर ऑफ वेक्टर फॉर्म। विदाउट टेकिंग द कॉम्पोनेंट्स इट विल गिव यू द फाइनल आंसर। ये है ब्यूटी ऑफ द वेक्टर फॉर्म बेटा। और ये यहां नहीं, इलेक्ट्रोस्टैट में और भी रोटेशन में, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस में अगर मैं कभी वेक्टर यूज करने लगू ना तो मजा ही आ जाता है। तुम्हें एकदम मजा आ जाएगा। एक एक डेढ़ डेढ़ पेज का क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म से सॉल्व होता है बहुत ही फास्ट, और वो तुम्हें सामने दिख रहा होगा विदाउट टेकिंग द कॉम्पोनेंट। कॉम्पोनेंट मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो ये सब चीज अगर सीखोगे ना बच्चों तो तुम्हें रियली में फील आएगा, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा बच्चा, आएगा, मुझे पता है आएगा। बताना कौन सा मेथड बेस्ट है। ओके, इस मेथड में, ये मेरा मेथड है, और इस मेथड में मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेस्ट यूज किया। मैंने दिखाया कैसे इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल कुछ भी नहीं होता, सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेस्ट यूज होता है। और देखो मैंने तुरंत से यहां पे एक इक्वेशन लगाया है बेटा, v is equal to u plus at, और आंसर तैयार है, राइट? और अब मैं अगला मेथड एक और बताता हूं, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन से। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होता है वो होता है y is equal to x tan theta minus g x square by 2 u square cos square theta। बोलो यही होता है क्या? यस सर। अगर मैं बोलूं स्लोप, तो स्लोप होता है dy by dx। स्लोप क्या होता है? dy by dx। करो स्लोप dy by dx। tan theta कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो गया tan theta। यहां पे ये सारा कांस्टेंट है, थीटा इनिशियल, जिसने से फेंकते हो तो ताकत है फेंकने वालों का, जी तो धरती माता लगा रही है, जो है फिक्स है, ये सब कांस्टेंट है। बचा क्या? बचा क्या बेटा? बचा सर एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x। खुबाच खुबाच। अब ये हो चुका है तुम्हारा dy by dx का वैल्यू कितना? tan थीटा माइनस g into x by u square cos square थीटा। बोलो अब यहां पे दो लाइन है, एक लाइन यहां से पास कर रहा है जो x is equal to 0 पे है, और एक लाइन यहां से पास कर रहा है जो x is equal to u cos थीटा into t पे है। दोनों में x का वैल्यू रख देता हूं मैं तो स्लोप निकल आएगा। तो dy dx में जब मैंने रखा x का वैल्यू, dy dx में x का वैल्यू रखा 0, तो x 0, तो ये 0, बचा क्या? tan थीटा। और ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, ये वैल्यू किसका दे दिया? किसका दे दिया? m1 का, जो पहले से पता है सर, लेट इट बी इक्वेशन 1। अब क्या करना है सर? अब अगर मैं dy by dx में x का वैल्यू लिखूं u cos थीटा into t, तो हमें यहां का वैल्यू दिखे, है ना? तो मैं dy by dx में क्या करता हूं? u cos थीटा into t पुट करता हूं बेटा। dy by dx में क्या करता हूं मैं? u cos थीटा into t पुट करता हूं बेटा। बहुत ही बढ़िया बात है सर, बहुत ही सुंदर बात है सर। अब मैंने इस क्वेश्चन का मेथड में यहां पे एक पेज ऐड करना चाह रहा था, ठीक है, हो गया। अब dy by dx में x is equal to u cos theta into t पुट कर रहा हूं इस पॉइंट के लिए, ताकि इस लाइन का स्लोप निकल के आ जाए। यस, तो dy by dx x is equal to u cos theta into t।
तो डी बाई डी एक्स जो स्लोप है उसमें एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी अगर मैंने कर दिया बेटा तो क्या आ रहा है जरा देखो, टेन थीटा माइनस जी इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या यू कॉस थीटा इंटू टी डिवाइडेड बाय वो तो खत्म हो चुका है टू है ना यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो चुका है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके सर, अब यहां से यू निपट गया, एक कॉस से एक कॉस निपटा तो क्या बचा ये टेन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा, ये हो चुका है आपका स्लोप जो कि एम टू है लेट इट बी इक्वेशन टू। कैसे पता है स्लोप है क्योंकि डी वाई डी एक्स स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसे रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को, किस लाइन का स्लोप है क्योंकि x का वैल्यू मैंने u cos theta into t रखा है तो u cos theta into t जिस पॉइंट से पास कर रहा है जो लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है उसका स्लोप है और दोनों स्लोप का प्रोडक्ट कितना है माइनस वन, तो इस दोनों का प्रोडक्ट को अब मैं क्या करूंगा m1 in dot m2 को करूंगा माइनस वन और इसको जैसे ही सॉल्व करूंगा तो t का वैल्यू आएगा वो u by g sin theta ऑन सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू, क्या तुम सीखते जा रहे हो मेथड, अरे ये तो कर पाओगे ना, दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे क्या, अरे टेन थीटा से मल्टीप्लाई करो फटाफट आंसर आ रहा है बेटा। यस सर, तो बेटा यहां से हमने ढेर सारे चीज सीखा, पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल के सारे इक्वेशंस को यूज कराना मैंने सिखा दिया है अभी तक तुम्हें, राइट। यस सर, हमें समझ आ गया कि कैसे प्रोजेक्टाइल को पूरे तरीके से हम घुमा सकते हैं, बढ़िया तरीके से समझा सकते हैं। ओके, तो चलिए अब आपके लिए मैं और क्या रख रखा हूं वो भी देखते हैं। यस सर, अब आपके लिए मैं बेहतरीन क्वेश्चंस रख रखा हूं, एक तो कोलिजन वाले क्वेश्चंस रख रखा हूं, तो देखते हैं ये बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, ओके ये पॉइंट है क्यू, विद अ वेलोसिटी वी वन, वी वन से एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल एंड Another particle is projected from point P, P से फेंका, which is vertically below the highest point. Highest point के just नीचे है बेटा ये। कहाँ पे है? Highest point के just नीचे है। बोल रहा है और upward direction में आपने फेंका। बोल रहा है for the two particle to collide. Collision हो रहा है इसका और इसका। बताना है v1 और v2 का वैल्यू क्या है। पॉज करो, सॉल्व करो, पॉज करो एंड सॉल्व करो, फटाफट आंसर बताओ। ये क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा का आना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा का आना चाहिए। पॉज करो एंड सॉल्व करो, फिर मेरा देखो। देखो बेटा, इस क्वेश्चन के पीछे का एक कॉन्सेप्ट है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। कॉन्सेप्ट यह है कि कोई भी दो पार्टिकल अगर सेम हाइट पे है और वो किसी भी यू से फेंका थीटा एंगल पे और वी से फेंका अल्फा एंगल पे, राइट, तो ये दोनों पार्टिकल एयर में तभी कोलाइड कर पाएंगे जब वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बराबर होगा, मतलब यू साइन थीटा और ये हो गया वी, वी साइन अल्फा दोनों बराबर होंगे। ऐसा क्यों बताता हूं, एंड अगर ये डिस्टेंस डी है तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है और इसका जो एक्स कंपोनेंट है ये दोनों मिलके ये डिस्टेंस को भी ट्रेवल करना चाहिए, तो ये हो जाएगा u cos थीटा और ये हो जाएगा v cos अल्फा। तो एक को हम रोकते हैं इस पे, ये जो मैंने वर्ड यूज किया एक को हम रोकते हैं, अगर इसमें दिक्कत है तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं रिलेटिव के लाइन से क्वेश्चन लूंगा, आपको समझ में आएगा फिर ये मैं क्या बोला एक को हम रोकते हैं, छोड़ दीजिए अगर मैंने नहीं बताया तो मैं नहीं लूंगा। तो मैंने बताया कंडीशन फॉर कॉलिजन, मैंने क्या बताया कंडीशन फॉर कॉलिजन, कॉलिजन इन एयर, तो हवा में ये दोनों कोलाइड तब कर पाता है जब y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बराबर होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये चला मान लो यहां से चलता हुआ ऐसे आया और ये चल के ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे यहां पे टकराया मान लो यहां पे कहीं पे, अगर यहां पे कहीं पे कोलिजन हुआ है, अगर यहां पे कहीं पे कोलिजन हुआ है, जरा देखना इस पॉइंट पे कहीं पे कोलिजन हुआ है, जल्दी देखो, तो ये पॉइंट से जिस पॉइंट का हाइट होगा कुछ भी और इस सेम हाइट पे है और इससे जिस पॉइंट का हाइट होगा, क्या ये दोनों बराबर होंगे, क्या ये दोनों बराबर होगा और टाइम भी सेम होगा, ऐसा होगा कि ये यहां आ जाए और ये हवा में रहे हम बोलेंगे नहीं कोलाइड कर गया, कोलाइड कर गया, ऐसा थोड़ी होगा यार, ये यहां पे सेम ही टाइम पे फेंका सिमल्टेनियसली, ये भी आया होगा, ये भी आया, दोनों का टाइम सेम है
और दोनों का पहले हाइट सेम था, तो y डिस्प्लेसमेंट भी दोनों का सेम रहा होगा। y डिस्प्लेसमेंट सेम, टाइम सेम, तो पक्का कुछ भी इक्वेशन लगाओगे तो यहां से इक्वेशन आ जाएगा, वो इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी सेम होना चाहिए। यस सर, तो कंडीशन फॉर कॉलिजन यहां से क्या निकल के आता है, यू वाई वन इज इक्वल टू यू वाई टू। ये सेम हाइट के लिए है बेटा, सेम हाइट के लिए है, सबके लिए नहीं है। ओके, बाकी के लिए क्या होगा वो थ्योरी में तुमने पढ़ा होगा, अदरवाइज बताना, अगर तुम्हें नहीं आता है तो मैं बता दूंगा। इस क्वेश्चन में क्या है, क्या सेम हाइट से है, हाँ। क्या प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है, हाँ। तो v का ये वाला कंपोनेंट होगा v1 sin 30, yes। क्या v1 sin 30 v2 के बराबर होगा, yes। तभी ये दोनों कोलाइड कर पाएंगे आंसर की प्राप्ति। v1 sin 30 is equal to v2, पूछा v1 by v2 का वैल्यू आ गया है कितना, 1 by sin 30, sin 30 हो गया 1 by 2, ये हो गया 2, आंसर हो चुका है सेकंड। कितने लोगों का सही आंसर आया हुआ था, जल्दी से कमेंट करो, फटाफट कमेंट करके बताओ कितने लोगों का सही आंसर आया। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा, देख रहे हो तुम की क्वेश्चन की क्या ब्यूटी है यार, कैसे प्रोजेक्टाइल में क्वेश्चंस को घुमाया जा सकता है, कैसे प्रोजेक्टाइल में तुमसे एक बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेम करवा लेगा लोग, और कैसे बढ़िया क्वेश्चन का आंसर तुरंत से आ सकता है, यह है प्रोजेक्टाइल। जबकि है कुछ भी नहीं, एक्स अलग और वाई अलग और कहानी खत्म। लेकिन बच्चे तुम्हारी गलती नहीं, इन सब क्वेश्चंस को कराना हमारा काम होता है, टीचर का काम होता है, तभी तो आपका दिमाग खुलेगा यार, आपको इंटरेस्ट जगेगा बच्चों। तो मैं यहां यही करने के लिए आया हूं बस। चलिए आ जाइए जल्दी से सर, ये भी आपने सिखा दिया। अब आपके लिए मैं एक बेहतरीन क्वेश्चन फिर से रख रखा हूं यहां पे। ये क्वेश्चन देखो बच्चों को लगेगा इनक्लाइन प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, बहुत ही डिफिकल्ट है सर, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ये कुछ नहीं है। पॉज करो और सॉल्व करो इस क्वेश्चन का, जो आंसर करोगे फास्टेस्ट आंसर करोगे उसको पक्का उसका नेम मैं फिर से अनाउंस करूंगा, और एकदम सैल्यूट टू यू पीपल ऑल जो देख रहे हो उसे भी, क्योंकि आप एफर्ट दे रहे हो बेटा, राइट ना। चलिए अब मैं करता हूं इस क्वेश्चन को, ये यूरोडोव और जे एडवांस का मिक्स क्वेश्चन है, ठीक। आपके लिए वैसे मैंने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन ले रखा है, बहुत ही बढ़िया सब क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ है। ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यूरोडोव का, जो कि मैं लूंगा अभी, लेकिन आई डोंट नो बेटा, समय बहुत हो रहा है, मुझे लगता है शायद हो सकता है कि अभी ना ले पाऊं, तो आप लोग मुझे बताना कि ये क्वेश्चन आपको चाहिए क्या। लास्ट क्वेश्चन में ये मैंने आईटी एडवांस के लिए एक कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन रख रखा था, और एक और क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन रख रखा है ये वाला, तो ये तो मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा। चलो कल मेरा एक और लेक्चर आएगा बेटा, तो मैं दो लेक्चर दूंगा अब, संडे और मंडे। लेकिन अभी मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो मैंने पहले बोला है, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल वाला, ये मैं बता दूंगा कल। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये आप मुझे बताना कि आपको चाहिए या नहीं। कौन सा क्वेश्चन सर, ये वाला क्वेश्चन, एक यूरोडोव का बेहतरीन क्वेश्चन मैंने लाया था तुम्हारे लिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन में बेटा समय बहुत लगता है, सॉल्व करके बताना इसके आंसर्स। ये तीन क्वेश्चंस तुम्हारे पास हैं, ये रहा, ये रहा और ये रहा, ठीक। इसके आंसर बताना अगर चाहिए तो। फिलहाल आप क्या कर रहे हो सर, फिलहाल मैं ये क्वेश्चन आपके सामने जो रखा था उसे सॉल्व कर रहा हूं। ओके चलिए, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इन वर्टिकल एक्स वाई प्लेन फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू एज सून इन फिगर। इफ दे परफॉर्म मोशन अंडर ग्रेविटी देन वैल्यू ऑफ यू सो दैट कोलिजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मोशन। ये भी क्वेश्चन मैंने कोलिजन के ऊपर लिया है, जे एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को बेटा। बोल दिया मैंने P से फेंका एक को, एक को Q से फेंका, बहुत ही बढ़िया। इसने OP और OQ का वैल्यू दे रखा है 3/4। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि ये वाला, अब मुझे नहीं पता है ये वाला हाइट मैंने जो माना है और ये वाला जो हाइट है, ये दोनों हाइट सेम है या अलग है मुझे तो नहीं पता, तो मैं अलग अलग मान लेता हूँ। मान लेता हूँ ये वाई वन हाइट है और ये वाई टू हाइट है, ठीक। और ये पता है, ये पता है मुझे नहीं, तो ये वाला हाइट वाई टू क्या होगा, ये OQ का कॉम्पोनेंट होगा, OQ cos 37, OQ sin 37, ये हो जाएगा OQ sin 37। देखो कैसे टेकल करना होता है फास्टेस्ट क्वेश्चन को, एक मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ये OP है, OP का ये वाला कंपोनेंट OP cos 53, ये OP sin 53,
ओपी साइन 53। और तुम्हें 3753 का आता है या नहीं? स्पेशल ट्रायंगल होता है बेटा एक, जिसमें ये एंगल होता है 37, ये एंगल होता है 53, ये 4, ये 5, ये 3। ये एक स्पेशल ट्रायंगल है, ध्यान रखना। ये 90 डिग्री, ये 3753 के लिए एक स्पेशल ट्रायंगल है। आई नो आप लोगों को आता है, बस एक भी बच्चा सीख गया तो बेहतरीन बात होता है, तो इसीलिए बता देता हूं। यहां पे अगर मैं बोलूं y2 का वैल्यू, तो साइन 37 होता है 3/5। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटा, 3/5 साइन 37, तो ये हो गया 3OQ/5। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ये क्या हो गया है, साइन 53 हो चुका है सर 4/5, साइन 53 4OP/5। अब अगर मुझे ये पता चल जाए बस कि ये y1 और y2 बराबर है, कैसे पता चलेगा सर? ये नहीं पता चलेगा। अगर ये कंडीशन को मैं रिवर्स ट्रू कर दूं, मैं मान लूं कि y1 is equal to y2, जरा ध्यान देना यार, और ये पता चल जाए कि ये कंडीशन ट्रू हो गया, इसका मतलब y1 y2 बराबर था, पक्का? यस। और अगर y1 y2 बराबर है तो सेम हाइट पे कोलिजन का कंडीशन अभी तुरंत बताया है मैंने, हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, समझ रहे हो ना? तो हमें अगर y1 और y2 को बराबर कर दिया तो क्या हुआ सर, अगर मैंने y1 और y2 को बराबर किया तो ये हो गया 4OP/5 इज इक्वल टू 3OQ/5, 5 से 5 निपटा, OP/OQ का वैल्यू जो क्वेश्चन वालों ने दिया है वो आ चुका है 3/4 मेरा भी और क्वेश्चन वालों का भी। इसका मतलब कि ये हाइट और ये हाइट बराबर था क्योंकि ये रिवर्स ट्रू हो चुका है। और अगर सेम हाइट पे था तो पार्टिकल क्या करेगा बेटा, सिंपली वाई कंपोनेंट को बराबर करेगा और आंसर निकल जाएगा, यही तो सिखाया। हाँ, ये 53 तो ये कितना 53, ये ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल, ये 37 तो ये 37 और ये 53 तो ये कितना 37 और ये कितना 53, तो 20 cos 53, ये हो जाएगा 20 cos 53। और इधर क्या हो जाएगा, इधर u cos 37, ये दोनों बराबर होंगे यदि इन पार्टिकल को कोलाइड करना है, क्या करना है, कोलिजन करना है, कहां पे, ड्यूरिंग द मोशन। सो व्हाट आई कैन राइट हियर, 20 cos 53 इज इक्वल टू u cos 37, है ना, इज इक्वल टू u cos 37, तो 20 cos 53 3/5, यस सर, इज इक्वल टू u cos 37 4/5, 5 से 5 निपटा, 4, 5 जा 20, 5, 3 जा 15, u का वैल्यू आ चुका है 15 meter per second सर। और ये रहा आपका फोर्थ ऑप्शन, कितने लोगों ने एज इट इज ऐसा ही सोचा था, बिल्कुल बताना। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल तुम आईटी एडवांस के लिए तैयार बैठे हो, और अगर नहीं सोच रहे हो तो मैं आया हूं तुम्हें सिखाने के लिए बेटा, बिल्कुल मजा आएगा तुम्हें। प्रॉब्लम सारा लेता हूं मैं काफी रिसर्च करके, जिससे कि तुम्हें मल्टीपल तरीके की चीजों को सिखा पाऊं मैं। नेक्स्ट क्लास में जो मैं लेक्चर लेने वाला हूं, मैं रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D के ऊपर बेहतरीन क्वेश्चन लेने वाला हूं। लेकिन अभी मैं 30 सेकंड आपका और लेने वाला हूं, जिसमें कि मैं आपको यह बताऊंगा कि लास्ट क्लास में कुछ बच्चों ने हमें एक बात बताया था यार, उन्होंने कुछ पूछा था, ये क्वेश्चन तो मैं नहीं ले पा रहा हूं अभी, टाइम बहुत ही ज्यादा हो चुका है। लेक्चर 1 में बच्चों के 3 डाउट्स थे, वो मैं लूंगा कि डिस्टेंस निगेटिव कैसे होता है, नहीं होता है, किसने बोला नहीं होता है, मैंने भी नहीं बताया, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है बेटा। उस क्वेश्चन में पार्टिकल ऐसे जा रहा था और ऐसे आ रहा था, डिस्प्लेसमेंट 0 था लेकिन डिस्टेंस इसका और इसका सम था बेटा, तो तुम ऐसे गए 0.5 मीटर और फिर ऐसे आए 0.5 मीटर, तो डिस्टेंस सबका सम ही तो करोगे, वही किया था, तो डिस्टेंस निगेटिव नहीं था। दूसरा डाउट को मैं एड्रेस कर रहा हूं, जिसमें बताया था कुछ बच्चों ने कि सर आपने जो ये VT ग्राफ बनाया था, इसमें आपने इसका स्लोप जो था वो तो रिटार्ड कर रहा है। हाँ बिल्कुल रिटार्ड कर रहा है, तो आपने बीटा क्यों लिया, नहीं लिया था बेटा, आप लोगों ने ढंग से देखा नहीं, मैंने लिखा था
मैंने लिखा था माइनस टेन थीटा टू इज इक्वल टू माइनस बीटा, लेकिन इसके ऊपर वाला चीज मैं समझा, तुम समझ जाओगे, तो नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, इधर आओ। मान लिया मैंने ये एंगल माना था बीटा, सॉरी थीटा टू माना था, तो इसका स्लोप का डेफिनेशन है टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एक्चुअल में आपको ये 180 माइनस थीटा टू लेना है और इसका टेन थीटा लेना है। तो आप लिखोगे टेन 180 माइनस थीटा टू इज इक्वल टू माइनस बीटा, ये लिखना था आपने। और 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन का कोई चेंज नहीं होता है, 180 में कोई चेंज नहीं होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा टू इज इक्वल टू माइनस बीटा। और ये खत्म करके आया था टेन थीटा टू इज इक्वल टू बीटा। बोलो क्या मजा आया, आई होप कि यही मैक्सिमम बच्चों का डाउट था इसलिए मैंने ले लिया। तो मिलते हैं बच्चा लोग फिर से कल आप लोगों के सामने। थैंक यू बच्चा लोग, मिलेंगे फिर से फिर नए एनर्जी के साथ कल 3 बजे और एक बढ़िया से सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।